तो वाईटेक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों। यदि आप व्हाट्सएप चलाते हो ना तो व्हाट्सएप की तीन ऐसी खुफिया हैक्स ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप सबको पता होना ही चाहिए। यदि आप 2021 में व्हाट्सएप चलाते हो ना तो 100% आपको ये तीनों हैक्स ट्रिक के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो दूसरे नंबर का जो ट्रिक बताऊंगा ना, वो ट्रिक करके आप किसी का भी आप पोल खोल के रख सकते हो। तो यदि आप जानना चाहते हो ये खुफिया हैक्स ट्रिक के बारे में तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम कर दीजिएगा, यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना आपको तीनों ट्रिक में से सबसे अच्छा कौन ट्रिक लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो शेयर वाले बटन पर क्लिक करके आप अपने फ्रेंड और दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये सब करने के बाद चलिए मैं आपको सबसे पहला ट्रिक के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला ट्रिक क्या है, अब व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेज करता है, ठीक है, यहां पे मैसेज करता है और आपके पास टाइम नहीं रहता इस मैसेज को पढ़ने का, कभी कभी लंबा भी मैसेज कोई कर देता है तो व्हाट्सएप आपको खुद पढ़ के सुनाएगा क्या मैसेज है, ठीक है, आपको जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सुनना है। तो आप सुन कैसे सकते हो कोई भी मैसेज को, व्हाट्सएप आपको खुद कैसे सुनाएगा कोई भी मैसेज, तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना, ध्यान से देखिएगा। सेटिंग में जाएंगे ना तो आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन चूज यहां पे आपको ढूंढना है, ठीक है, कोई भी मैसेज मोबाइल में आपको मिल जाएगा सेटिंग में जाकर के, नहीं मिले तो आप सर्च कर लीजिएगा, एक्सेसिबिलिटी को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे जाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा सेलेक्ट टू स्पीक का ऑप्शन, इस पे आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना, एनेबल कर देना, अलाउ दे देना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक आदमी निकल के आ जाएगा, यहां पे आपको दिख रहा है ना, आपको बैक चले जाना है। उसके बाद आपको यहां पे दिखेगा टेक्स्ट टू स्पीच, यहां पे दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। आपको लैंग्वेज में जाकर के आप जिस भाषा में सुनना चाहते हो ना मैसेज को, जैसे आप तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, क्या हो आपको, मैं मुझे हिंदी आती है तो मैंने यहां पे हिंदी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, बैक चले जाना। व्हाट्सएप में आप कोई भी मैसेज को यहां पे क्लिक करोगे, उसके बाद कोई भी मैसेज को आप सेलेक्ट कर लोगे, ये आपको सुनाना स्टार्ट कर देगा। इसका उपयोग कैसे करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी मैसेज को व्हाट्सएप खुद सुना करके बता रहा है, ठीक है। तो ये रहा पहला ट्रिक और कमाल का ट्रिक जो मैंने आपको बता दिया है कैसे सेटिंग में जाकर के करना है। अब मैं आपको दूसरा ट्रिक के बारे में बता देता हूँ। दूसरा ट्रिक क्या है कि व्हाट्सएप पे कोई भी बंदा आपको मैसेज करता है, वो बंदी बन के, मतलब कोई भी लड़का आपको मैसेज करता है लड़की बन के, कोई फ्रेंड मजाक करता रहता है ना कभी कभी व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करता है, लड़की का फोटो लगा लेता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, तो आप कैसे पता करोगे कि ये जो बंदा है वो लड़का है या लड़की। आप चुटकियों में पता कर सकते हो, आप तो ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते ही होगे, उसमें एक सेटिंग है जिसको ऑन कर देना है, उसके बाद आप उसको पहचान सकते हो कि वो लड़का है सामने वाला बंदा या लड़की है। तो कैसे आप करोगे सेटिंग, ट्रू कॉलर को ओपन कर लेना है, थ्री डॉट में जाना है, ठीक है। थ्री डॉट में आप जाएंगे ना तो आप यहाँ पे दिख जाएगा सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग में आप जाओगे ना तो आपको यहाँ पे जनरल सेटिंग दिखेगा, जनरल सेटिंग में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे नीचे जाना है, ठीक है। नीचे में जाओगे ना तो यहाँ पे दिखेगा मैसेंजिंग ऐप, दिख रहा है ना, इसको आप ऑन कर दोगे। आप ऑन कर दोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई अननोन सेंडर्स इन द व्हाट्सएप, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कोई भी बंदा यदि आपको बेवकूफ बनाएगा ना लड़की बन के, तो आप पता कर सकते हो कि वो जो सामने वाला बंदा है लड़का है या लड़की है। इसको इनेबल कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, उसका फोटो वोटो सब आपको देखने को मिल जाएगा, रियल बंदा कौन है, लड़का है या लड़की है, उसको ऑन कर लेना है। तो ये रहा दूसरा ट्रिक जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको तीसरा ट्रिक के बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो तीसरा ट्रिक करने के लिए यहां पर मैं कोई भी फोन लेता हूं, ठीक है, और यहां पर कोई भी मैं फोटो भेजता हूं। आप ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर कोई भी फोटो भेजा, ठीक है, यहां पर मैंने फोटो भेजा और आप देख सकते हो कि यहाँ पे फोटो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस फोटो को डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड तो कर लिया मैंने, मगर क्या होता है ना कभी कभी धोखे से जो है ना आपके फोन गैलरी से वो फोटो डिलीट हो जाता है, कोई भी फोन गैलरी से धोखे से डिलीट हो जाता है। तो अब ये फोटो को आप कैसे डाउनलोड करोगे, आपको पता है कैसे डाउनलोड करोगे, नहीं पता है। यहाँ पे आपको एक बार टच करना, जैसे आप टच करोगे ना तो ये फोटो फिर से आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो फिर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से यदि फिर गैलरी से डिलीट भी हो जाएगा ना तो ये ट्रिक कर
करके आप जो है ना कोई भी फोटो को फिर से डाउनलोड कर सकते हो। तो कमाल का ट्रिक है, ज़रूर करके देखिएगा। तो आई होप मैंने आपको तीनों ट्रिक के बारे में बता दिया है। कौन सा ट्रिक आपको सबसे बेस्ट लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।